Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you are also fine. I am Nidha Farma from New Ideal Academy. In this video, we are studying going subject Islamia, chapter number 1. Bab Song ka chapter number 1. Hai ji Fateh Makkah. Fateh Makkah ka pichle lecture mein humne do sawal par teen sawal padh liye the. Aaj hamara tafseeli jawab ka aakhri sawal hai. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतेह मक्का के मौके पर मस्जिद हराम में दाखिल होने का मंजर अपने अल्फाज में तहरीर करें। सवाल का पेज नंबर है 31 और जवाब का पेज नंबर है जी 30। मस्जिद हराम में दाखला। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर तशरीफ लाए, हजरे असवद को चूमा और अपनी मुट्ठी पर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तवाफ के बाद हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खाना काबा की चाबी ली। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कमान से खाना काबा के अंदर रखे हुए तमाम बुत गिरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को ठोकर मारते जाते थे और कहते जाते थे, जा अल हक वज़ह कल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81 और 17। तर्जमा हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा करवाई और बाहर तशरीफ लाए। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़े बांधे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमद सना के बाद कुरैश से फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद।